हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लवली लेडीज आउट देयर। सो गाइस, आज है करवा चौथ और इट्स ऑलरेडी इवनिंग और मेरे को तो काफ़ी देर हो गया है, लाइक ये सूट पहने और वेयरिंग दीज बैंगल्स और ये सब गेटअप किए, काफ़ी देर हो गया। आई एम वेयरिंग दीज झुमकाज विद माई सूट और तो पर ब्लॉग शूट करने का मन मेरा बहुत लेट हुआ, पर आई थॉट वाई नॉट, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी ब्लॉग शूट किया था तो मैंने सोचा इस बार भी करती हूँ। तो बस सैलून थे, वहाँ पे गए, पिक्चर्स क्लिक करवाए एंड वी हैड सो मच फन। फिर वी जस्ट गॉट बैक होम और अभी बस चेंज करने लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ सबको कि मैंने क्या पहना था। सो आई वॉज सॉरी, आई एम वेयरिंग दिस सूट, दिस येलो कलर का सूट, इट्स लाइक दिस। और इसके साथ ये दुपट्टा है और इसके साथ ये बैंगल्स पहनी हैं जो मैंने अपने कॉकटेल वाली ड्रेस के साथ पहनी थी जो मेरी शादी हुई थी, तो आई एम वेयरिंग देम फॉर द सेकेंड टाइम नाउ। और साथ में ये झुमकास पहनी है और थोड़ा सा मेकअप किया है और अब तो मेकअप काफ़ी लाइट हो गया है, पर ये है आज का लुक। और यस, बस ये खाने के बाद हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि जॉन और मम्मा वेट कर रहे हैं हम लोगों का। फिर दिन गो आउट समय कहाँ पे मॉल जा रहे हैं। यस, ये जो मेरी जो ब्रेथ बनाई है ना, आई एम इन लव, मुझे इतनी अच्छी लगी है, ऑल थैंक्स टू वन ऑफ आवर एम्प्लॉयज, शी सच अ स्वीट हार्ट। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार डू समथिंग सिंपल येट एलिगेंट, तो उसने बहुत ही अच्छा सा वो बनाया है। जसी थैंक यू। और बस अभी हम लोग घर पे आ गए हैं, अभी मम्मी और रवि को बाहर कहीं, मम्मी और जाना को कहीं बाहर लेके जाना है, तो चेंज कर लूँगी, ये वाले कपड़े नहीं पहनूंगी अभी, पर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इंडियन वेयर पहन के। और इट्स लाइक आज सब तरफ लोगों ने, सब जगह पे इंडियन वेयर किया हुआ है लड़कियों ने, सब ने, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स से जो इंडियन पहन के आए थे और जिन्होंने बहुत मेहंदी भी लगाई है और बहुत प्रिटी लग रहे थे। और मैंने मेहंदी नहीं लगाई, पर मैंने अमान का नाम लिखा है यहाँ पे, अमान। और बस यही, अभी जाएंगे कहीं पे शाम को, देखते हैं कहीं पे थोड़ा सा निकलते हैं, मामा और जाना की भी आउटिंग हो जाएगी। और मेरी हेयर स्टाइल के बारे में बताना गाइस, कि मुझे ये अच्छा लग रहा है या फिर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। लाइक आई एम ऑब्सेस्ड, मैं तो इसको बहुत फ्रीक्वेंटली बनाने वाली हूँ, लाइक जब भी मैं इंडियन वेयर करूँगी, तो बिकॉज सो नाइस। अब थोड़ा सा लूज हो गया क्योंकि काफ़ी देर हो गई बनाए हुए, पर ये बहुत अच्छा लग रहा था। आल पोस्ट पिक्चर्स और मैं वीडियो इंसर्ट कर दूँगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कैसा लग रहा है। सो यस, हैप्पी करवा चौथ, सबको हेलो बोलो, बोलो मैं लड्डू, बोलो हेलो एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ। मम्मा दादा का तो फर्स्ट करवा चौथ है मेरे साथ, पर पता नहीं क्यों मुझे तो किसी ने छूट नहीं पहनाया, खुद ही पहन लिया है। मम्मा आप भी हेलो बोल दो सबको। मम्मा ऐसे लेटे हुए हैं और हम अपनी जाना को पोली पोली कर लिया, कदल कदल कर लिया हम लोग। मम्मा अच्छी बारी है की बेबी टी नहीं पीता, बेबी जूजू पीता है। मैं कद्दू। लव यू जोना। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं देखने के लिए और अमान को पता नहीं है कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो ये हंस रहा है मेरे ऊपर। मेरी हालत देखो यार, मैं ऐसी हालत में ना, so fresh. Who, me? Yeah. I got, look at my eyes. It's a comedy. Yeah, I'm definitely throwing up. Nice place.
nice interior. सो गाइज मूवी का प्लान तो नहीं बन सका है, पर मैं और अमान डिनर करने के लिए आ गए हैं और विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, क्योंकि आज करवा चौथ था और हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए. पर अब हम लोग आ गए हैं और अब हम लोग बैठेंगे, डिनर करेंगे, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू. और आई होप जितने भी फेस्टिवल्स हैं सब लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें और पूरा लाइक अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें. तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो. बहुत छोटा सा व्लॉग था, बट आई होप आप लोगों को पसंद आया हो. अगर आया है प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.